हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्लान कहाँ का बन रहा है जी? अल जुबैल का। ये हमारे साथ एक और भाई हैं पीछे बैठे हुए। आज हम तीनों दोस्त जा रहे हैं अल जुबैल में। सुबह सुबह उठे थे, कोई और प्लान समझ में नहीं आया, आज छुट्टी थी तो आज हमने सोचा कि आज हम आपको अल जुबैल दिखाएं और खुद भी देख मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आए थे अभी जुबैल आइलैंड। अभी बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है तो अभी हम कोई और रूट बनाएंगे। अभी चेक करते हैं कहाँ पे आ जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं जा सकते। फिलहाल तो हम अभी यहाँ पे आए थे और सब कुछ बंद है। हाँ माजिद भाई, एंजॉय कर रहे हैं फिर? यस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा जी मज़े की बात तो ये है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज हम सारे निकले थे, आज हम सबको छुट्टी है तो हम सबसे डिसाइड किया आज हम अपने इक्विपमेंट एक तो टेस्ट कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ दिखा देंगे। ये हमारा पहला व्लॉग अबुधाबी का। अबुधाबी में भी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी चीज़ें बंद हैं। हम क्योंकि सुबह से निकले घर से बहुत सी जगह पर हम गए लेकिन कहीं भी एंट्री नहीं मिली बिकॉज पब्लिक प्लेस सारे बंद हैं। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि चलें ज़्यादा नहीं तो आपको सादियात बीच दिखा सकते हैं। सादियात बीच एक तो सबसे अच्छा बीच है, सेकेंडली आपको वहाँ पे हम अपने ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं। इस वक्त टेम्परेचर अबू धाबी का 42 है, 5 बज चुके हैं और हम अपने रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जो रोड जिस रोड पर हैं ये शेख ज़ायद रोड है। सेम रोड आपको दुबई की तरफ कनेक्ट करेगा, सेम रोड आपको यहाँ से शारजा की तरफ जा सकते हैं। इधर से दुबई का रास्ता तकरीबन आपको 1.5 आवर लगेगा, दुबई आप जा सकते हैं। अभी हम आए थे सादियात पब्लिक बीच लेकिन अभी एंट्री नहीं मिली क्योंकि ये क्लोज होने वाला 7 बजे। लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक दफ़ा फिर, हम नेक्स्ट वीकेंड आएंगे तो आपको दिखाएंगे। वैसे हम आपको एक दफ़ा आगे पीछे दिखा देते हैं, एक बार दिखा दो माजी भाई। नहीं बंद होने वाला है 7 बजे। अच्छा जी अभी हम गए थे सादियात पब्लिक बीच लेकिन वहाँ पे बंद होने वाला था, क्लोज होने वाला था। 50 दिरहम एंट्री है अगर कोई भी आप में से आना चाहे, लेकिन उसका क्लोजिंग टाइम हो गया था तो हम फिर वहाँ पे नहीं जा सके। लेकिन उसके अलावा हम अभी जा रहे हैं मीना,
मीना पोर्ट, जहाँ पे आई होप कि हमें एंट्री मिल जाएगी और ड्रोन उड़ा सकते हैं, ड्रोन वहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं, शायद अभी जाके चेक करते हैं। अगर वो एंट्री मिल जाती है तो आई होप हम आपको आज अच्छे से शॉट दिखाएंगे अबूधाबी बीच के। अभी 6:30 का टाइम हो गया और हम जा रहे हैं मीना पोर्ट वाली साइड पे। ये अभी हम आए मीना पोर्ट की तरफ। ये मीना पोर्ट है, यहाँ अबूधाबी की सबसे बड़ी पोर्ट यही है। इससे आगे हम आप बीच को टच करेंगे। आखिर में जाना है आपने। ओके, अभी हम मीना पोर्ट की तरफ आए हैं जी। यहाँ बहुत सारे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा वेदर है अबूधाबी का। बस हम कोई लोकेशन देखेंगे जहाँ पे हम अपना ड्रोन फ्लाई कर सकें। ये आपको बहुत अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा होगा, सेम व्यू आपको बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया होगा। अगर आप मीना पोर्ट के ऑपोजिट देखें तो आपको पूरी सिटी का व्यू नज़र आएगा, अबूधाबी सिटी का। थोड़ा सा दूर है ये रेजिडेंशियल एरिया से, लेकिन यहाँ पे आप पिकनिक स्पॉट भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। डे टाइम में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। आफ्टर 5:30 आए तो आप यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारे से ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था।
You know, I'm just, you know,